डेरिक, यहाँ पर कैसे पता कर सकते हैं कि ADHD वाकई है नहीं है? हम एक पेपर और पेन देते हैं बच्चे को, पेपर और चाहे वो स्क्रिबल करे लिखे जो भी है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ये मैं ADHD बिल्कुल नहीं कहूँगा, डेफिनेटली नॉट ADHD नहीं है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है सुषमा जी, इट्स फाइन, ADHD नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा है, इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम। और ये बच्चे का जो कंडीशन है आज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज ऑफ सॉरी बट यू एंड योर बिलवड हस्बैंड। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप कि इसको ADHD है ही नहीं और प्रॉब्लम इसमें नहीं जी, इसके पेरेंट्स में? ओके हमजा, लेट्स डू वन थिंग, आई हैव बायोफीडबैक डिवाइस, अगर सुषमा जी इज ओके विद अ ड्यू परमिशन ऑफ कोर्स। सुषमा जी, परमिशन है आपकी? सवाल मेरे बच्चे का है तो उसके लिए मैं कुछ भी करूं। क्या रहस्य क्या हकीकत में आपका एक बार फिर से स्वागत है, मंच वही है, मैं वही हूं, हमारे साथ डेरिक हैं, सुषमा जी हैं और इनके बेटे आर्यन हैं। सुषमा जी हमारे पास अपने बेटे की ADHD की समस्या को लेकर आई थी, पर एनालिसिस के दौरान एक चौंकाने वाला पहलू ये सामने आया कि अकॉर्डिंग टू डेरिक प्रॉब्लम आर्यन में, यानी बेटे में नहीं बल्कि सुषमा जी और उनके पति यानी पेरेंट्स में है, और यही वजह है आर्यन की ADHD की समस्या के पीछे। शुरुआत में सुषमा जी काफ़ी हिचकिचा रही थी, बताना नहीं चाह रही थी खुलकर, पर ऑब्वियसली बेटे की भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए एक माँ तैयार हो गई। डेरिक, ओवर टू यू। राइट, तो हम शुरू करें क्या? राइट, सिंस शी हैज गिवन द परमिशन, आई थिंक वी बेटर स्टार्ट राइट अवे। सुषमा जी के पैर है, आप इन पर हाथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरफ से, राइट, करना कुछ नहीं है आपको, यू जस्ट कीप द हैंड, राइट, हम मशीन ऑन करें, डिवाइस ऑन करेंगे और उसके बाद वी गेट द पैरामीटर्स, ठीक है, फिर हम आगे फिर जांच करते हैं क्या करना है क्या नहीं। सो यू आर रेडी? ठीक है, जस्ट रिलैक्स, ओके। In a moment, yes, one moment. This is, oh my goodness. Hamza, the problem, what we are talking about is the beginning, jo hum kehte ki shuruaat hai, ki he has acquired a large part of it from the mother. Because Sushma ji ko attention deficit problem hai, she's already having it. And she is far from the borderline, you know, everyone has a borderline, sabko ek borderline hota hai ki hum yahan touch kare to it's not really happening. Mm-hmm. She's far away from the border, means she's crossed the borderline, but ab danger line pe nahi hai, don't worry about it, it's not on the danger line. Main aapko ek baat puchu, kya aap koi bhi cheez focused manner se kar sakti hai? Ha, kar sakti hu. Okay, aapka मतलब दिमाग वेवर नहीं होता कि मुझे ये भी करना है, मतलब कुछ करते हुए वो भी करना है, ये भी करना है? Sometimes, but not always. Sometimes, because सुषमा जी देखिए, this is an inner problem which has been picked up. अगर हम इसको स्टेट करना है, स्टेट कर सकते कि मुझे नहीं है, वेरी इजी, और उसको भूल जाओ, लेकिन अगर आपको कुछ दिखा रहे हैं हम, सो इट्स अप टू यू. So we are not trying to scare you, please. We are just trying to make you alert, because it is not only attention deficit, but also certain phobias are seen. Yani ke dar, even phobias are seen. And in fact, you're right, Derrick. यहाँ पर एक बहुत important बात Derrick ने बोली है कि किसी भी problem का solution अगर हम चाहते हैं, अगर हम दिल से चाहते हैं, अगर हम genuinely चाहते हैं कि हमारी ये problem है और कुछ हल निकल सके, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोल्यूशन कैसे मिलेगा? अगर आप मुझे एक छोटा सा मोमेंट दो, मैं अभी आपको आपका इमोशनल प्रॉब्लम बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अफ अभी पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम
कहाँ से शुरू है, क्यों है, विल जस्ट कम टू नो. नाउ ये जो है आपका पिक्चुरी ग्लैंड, जहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, इवन दैट इज लार्जली अफेक्टेड. दिस शोज कि यू आर इन टू अ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. And when we say emotional conflict, and what I saw in his Aryan's handwriting formation, it shows a lot about you, madam. Sushma ji, आपका जो ये शादी है, अगर मैं खुल के बताऊँ तो ये आपके खुशी से नहीं है. I mean, you're not happily married into this marriage. सुषमा जी, प्लीज संभालिए अपने आप को. सुषमा जी देखिए, आर्यन भी कितना परेशान हो गया. देखिए आपके रोने की वजह से. प्लीज सुषमा जी, आर रिलैक्स प्लीज. सुषमा जी देखिए, आप ऐसे रोएंगी तो कोई सलूशन नहीं निकल पाएगा ना. अच्छा इसको देखिए, इसको देखिए, बेटे को देखिए अपने एक बार. देखिए हम आर्यन की मदद कर रहे हैं. आप पानी पानी मंगाएं आपके लिए. यू वांट वाटर, टिश्यू, टिश्यू पेपर्स प्लीज. थैंक यू. ठीक हो आप? हाँ आगे बात करें. सुषमा जी देखिए, इट्स अ पैरामीटर विच इज कम आउट ऑफ वट एवर रीडिंग्स. और कोई इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का. यहाँ पे हम पूरी कोशिश में कि हम आपकी मदद करें. और जो पैरामीटर दिखा रहा है, इट वो दिखा रहा है कि बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशन, यू नो, यू आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू योर करंट मैरिज. आप वो मेमोरी को छोड़ नहीं पा रहे. और इस बीच में जो आपका डिस्टेंस है आपके हस्बैंड के साथ, वो डिस्टेंस इनर्टली आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है. और बच्चा खोया खोया सा है. सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डेरिक ने जो बोला उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच आपको लगता है? क्या वाकई ऐसा है जो पैरामीटर्स आए हैं, क्या वाकई सही आए हैं, सच आए हैं? लड़ाई झगड़े तो सब जगह होते हैं ना, थोड़ी देर में हमारे बीच में भी होते हैं. लेकिन डेरिक, प्रॉब्लम समझ में आ गई जी. कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है जी. अगर हम हीलिंग की बात करें, okay. किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि मेन फोकस हमारा वही है. प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें जानना होता है कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या पहलू जुड़े हैं. बट मेन फोकस हमारा यही रहता है कि एक हल ढूंढ सकें. तो किस तरह से हीलिंग किस तरह से हो सकती है इस केस में, क्योंकि एक माँ है, एक माँ के इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, एक पत्नी के इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बच्चा है उसके भी मासूम इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए. देखिए हम जब हम एक काम कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ये है कि हम जैप्स देते हैं इसी मशीन के थ्रू. एक जैप देते हैं, जैप यानी एक मैग्नेटिक फील्ड पास होता है आपके बॉडी के थ्रू और आपके ग्लैंड्स को वो हील होने में हेल्प करता है. जैसे कि अगर कोई केमिकल्स ज़्यादा रिलीज हो रहा है थ्रू, जो इनके केस में हो रहा है पिक्चुरी ग्लैंड में, तो इट विल ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल. इट विल रिड्यूस द एक्सेस फ्लो ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम द पिक्चुरी ग्लैंड. तो ये होने से ये होगा कि जब हम एक इमोशनली चार्ज्ड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो इनका इनके केस में हो रहा है. सो जैसे मैंने कहा कि शी इज टोन इन टू प्लेसेस, एक यहाँ पे है जो उनका पास्ट है, यहाँ उनका प्रेजेंट और फ्यूचर बच्चा है. तो इससे ये होगा, व्हेन द ग्लैंड कम्स इन कंट्रोल, शी विल बी एबल टू कम बैक टू हर प्रेजेंट एंड टेक केयर ऑफ द फ्यूचर. तो कितना टाइम लगेगा इस हीलिंग में? ये देखिए, अभी हम
एक जैप देते हैं, एक छोटा सा जैप देते हैं, फिर पैरामीटर लेते हैं और सुषमा जी को पूछते हैं कि हाउ इज शी फीलिंग. सो लेट हर आंसर. जस्ट गिव मी योर जस्ट अ मोमेंट राइट अवे. सुषमा जी आप हाथ रखेंगे जरा, आप टिश्यू पेपर यहाँ दीजिए. ठीक है, फाइन, यू ओके? फाइन. हम सर नाउ यू कैन सी द ग्राफ्स मूविंग और प्लस ये एक मीटर आपके सामने. हमजा आपने नोट किया पहले वे बहुत लंबी लंबी थी, व्हिच मींस देयर वाज अ लाइक यू नो इट वाज रेक्टिफाइंग. अभी आप टॉप एग्जैक्टली या आउट हियर, और अभी आप देखो वेव्स कैसे जा रहा है, इट्स वेरी क्लोज बाय, दैट मींस हीलिंग इज स्टार्टेड, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड. प्लस अगर आप ये मीटर देखो, सो इट्स मूविंग वेरी ब्यूटीफुली नाउ. अर्लियर वो अटका हुआ था एक जगह पे. आई मीन जस्ट टू स्पीक इन जनरल टर्म्स, टू देखा था मैंने, मेरी नजर उधर ही थी एक्चुअली. इस तरह से हम क्या करते हैं कि यू नो वी हैव अ सेशन लेते हैं, 15 मिनट सेशन, 20 मिनट सेशन, और बाद में हम फुल पैरामीटर्स वी गो थ्रू इट. ऑफकोर्स 7,000 पैरामीटर्स नहीं लेते, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इशू है जो आप जो पेशेंट या क्लाइंट हमको एड्रेस करता है, वी हिट ऑन दोज इशूज. सो वी टेक लाइक 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर एंड देन द क्लाइंट गोज बैक एंड देन वी हैव अ फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट हाउ दे आर फीलिंग लेटर ऑन. सुषमा जी एक बार आँखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए. रिलैक्स नाउ, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से. सुषमा जी क्या कुछ फर्क महसूस हुआ आपको? एनी डिफरेंस? स्टेबल लग रहा है बट अभी भी मेरे दिमाग में मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा. ऑफकोर्स आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ. सुषमा जी देखिए क्या है, जैसा आपका बिहेवियर चेंज होगा, जो कि आई एम डेफिनेटली श्योर ज़रूर होगा, हो गया है, हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंज होने से उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. इफ एट ऑल आई मीट हिम अगेन एंड चेक हिज फॉर्मेशंस, आई एम टेलिंग यू इट विल बी चेंज्ड. बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं डायरेक्ट कि जो सिचुएशन है उसमें एक चेंज आए और पॉजिटिव चेंज आए. Derrick, don't mind, but actually मेरे अंदर एक अजीब सी उथल पुथल मची है. मैं literally I'm falling short of words. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या करूँ, क्योंकि it's amazing जो मैंने अभी देखा. अद्भुत कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, but please आप अगर मेरे लिए थोड़ा सा करेंगे तो मुझे काफ़ी थोड़ा सुकून मिलेगा. Anything for you, Hamza. Thank you so much. मेरे पास एक सैम्पल है, काफ़ी फेमस, बहुत फेमस पर्सनैलिटी की हैंड राइटिंग है. Yes. हमसा ये जो पर्सन है, जो भी पर्सनालिटी है, ये बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंटेलिजेंट टू द टी, मतलब उनको अपना प्रोफेशन, अपना जो चाहत है प्रोफेशन का, इट कम्स फ्रॉम हिज हार्ट, अपने दिल से करता है. एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन लग रहा है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज़ गॉन डाउन, मीनिंग वो फाइनेंशियली ख़त्म हो रहा है. ही जस्ट coming to nobody's business. Not only that, Aryan, mama ke paas jaoge? Itna interesting aap bata rahe hain. Right. Yeah. Lekin main aapko ek baat batata hu, ye banda bahut badhiya hai. Dil ka, he is like a diamond man. Aur wo apne aap se zyada apne काम चाहता है कि अपना काम दिखाई दे उसका. You're getting my point. Like he wants his work to be famous more than him. But because of his work, he's getting famous. He loves us, he's very, very, very passionate person. और जो उसके दिल में है वो सीधा बता देता है, वो छुपा छुपी नहीं खेलता, लेकिन जो छुपा छुपी खेलते हैं उसके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं, and very loving person, very loving. Amazing, Derrick. Gentleman, I would say. Amazing, amazing, amazing. मैं आपको बताऊँ किसकी हैंड राइटिंग है? जी. इस कागज का दूसरा हिस्सा भी है मेरे पास. ओके, आई एम क्यूरियस नाउ, आई एम क्यूरियस. ओके देन, टन टन. वाओ, ही इज, दिस गाय इज अमेजिंग. माइकल जैक्सन की ये हैंड राइटिंग थी. डेरिक को मैंने ये सैंपल दिखाया. डेरिक ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इस पर्सनैलिटी के, इस शख्सियत के, वो काफी हद तक माइकल जैक्सन से मैच होते हैं. Amazing guys. दिल अभी भी कह रहा है कि मान ले भाई मान ले, पर दिमाग कह रहा है नारे बाबा ऐसा नहीं हो सकता. ये जंग छिड़ी हुई है, लेकिन
जिस लेवल पर ये जंग थी काफी हद तक सेटल सी हो रही है। जो कुछ भी आज यहां पर हुआ वो वाओ कह लें या फिर अमेजिंग कह लें या फिर फैंटास्टिक कह लें, जो आपका मन हो वो आप कह सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, इट वॉज सीरियसली अमेजिंग फॉर मी। ऐसे ही कुछ और चौंकाने वाले रहस्य हम लाते रहेंगे। क्या होगा अगला रहस्य, ये हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। क्या रहस्य, क्या हकीकत।